नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निरूपा सिंपल लाइफ में। आज का वीडियो जो है वो है रिक्वेस्टेड वीडियो, और ये रिक्वेस्ट आई थी प्रिया राजपूत जी की तरफ से। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि भाई हम किस तरह से अपने प्लांट्स के लिए खाद तैयार कर सकते हैं कि वो जल्दी ग्रो करें। तो प्रिया जी, मैं आज आपकी रिक्वेस्ट को कम्प्लीट करने वाली हूँ, और आपको मैं जो मेथड बता रही हूँ वो आपके दो काम कर सकता है। पहला कि खाद बन जाएगा, साथ में आपका पॉटिंग मिक्स भी रेडी हो जाएगा। मतलब आपको एक काम करना है और उसमें आपके दो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड बहुत ही इजी है, अच्छा है, और जो लोग भी अपने घर में गार्डनिंग करते हैं तो खाद बाहर से खरीदने की बजाय मैं यही कहूंगी कि आप अपने घर में ही खाद बनाएं, कंपोस्टिंग करें। इससे दो फायदे होंगे। चलिए, पहला कि जो वेस्ट निकलेगा आपके घर से वो कम होगा, और जो ग्रीन वेस्ट है जूल में नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसे डस्टबिन में डाल देते हैं वो बेकार चला जाता है ना। तो इससे बेहतर है कि आप उसका कुछ बहुत ही बढ़िया यूज कर लें। तो यही यूज करें आप अपने घर में, जो पुराने मटके होते हैं या उसमें भी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। वो पुराने मटके नहीं है तो आप जो आपके घर में गमले होते हैं, सीमेंटेड हैं या मिट्टी के हैं, हाँ प्लास्टिक के गमले में भी आप कर सकते हैं कंपोस्टिंग। पर मैं कहूंगी कि आप प्लास्टिक के पॉट में कभी भी कंपोस्टिंग ना करें। बेहतर होगा कि आप उसकी बजाय मिट्टी का गमला या सीमेंट का गमला ले लें और फिर उसी में कंपोस्टिंग की प्रोसेस करें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फटाफट से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का मैं बहुत इंतजार करती हूँ। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम इस स्पॉट में कंपोस्टिंग करने वाले हैं, और कंपोस्टिंग के मैं दो तरीके बताऊंगी आपको। दोनों सेम हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक हो जाएगा कंपोस्टिंग, दूसरा हो जाएगा कि बिना खाद के पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करें। तो चलिए देख लेते हैं फिर। तो सबसे पहले ये पॉट आपने देखा है, मैंने छोटा सा पॉट लिया है और उसमें एक लेयर बनाई है नीचे मिट्टी की। आपको भी इस तरह से एक लेयर बनानी है मिट्टी की, और फिर आपको इकट्ठा करना है काफ़ी सारा कचरा अपने किचन से निकला हुआ, मतलब फल और सब्जियों के छिलके। तो देखिए, यहाँ पर मैंने केले के छिलके इकट्ठे किए हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ केले के छिलके इकट्ठे नहीं करने हैं, जो भी सारे के सारे फल आपके घर में आते हैं उन सब के छिलके इकट्ठे करने हैं। पर मेरे यहाँ केले आए थे, इसी वजह से आपको ज़्यादा केले के छिलके दिख रहे हैं। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो पका हुआ खाना होता है ना, वो बिल्कुल भी ना डालें। और यहाँ मैं डाल रही हूँ ये हरी प्याज के छिलके थे, इसको डाल रही हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा खाद है पौधों के लिए, तो हरी प्याज से बहुत बढ़िया खाद बनती है। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें कि देखिए, आप या तो सारा के सारा जो वेस्ट है वो उसको पहले मिक्स कर लें और फिर इस पॉट में डाल दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप लेयर बाय लेयर डालें, और मैंने अलग अलग इकट्ठा करके रखा था तो इसलिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ। अदरवाइज़ आप एक साथ पूरा कचरा डाल सकते हैं। और इसमें हम कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे ऊपर से, क्योंकि जो हम कचरे की लेयरिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें गीला कचरा भी है। ये प्याज के छिलके थोड़े सूखे हैं पर इनमें नमी तो है, और केले तो हमारे बहुत ज़्यादा गीले से छिलके होते हैं, ये आपको पता है। तो हम इसमें इसलिए वाटरिंग नहीं करेंगे। और अब मैं इसमें अगली लेयर बना रही हूँ जो कि बिल्कुल मिक्स कचरा है। तो ये मैंने काफ़ी दिन से कचरा इकट्ठा किया है, इस वजह से कुछ एक दो फ्लाइज़ भी हैं भाई, इग्नोर कीजिएगा उनको। बारिश का सीज़न है और कचरा इकट्ठा करना तो वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो मैंने इन्हें इकट्ठा करके इस पॉट में डाल दिया है, और अब इस पॉट में आपको एक अच्छी मोटी सी परत बनानी है मिट्टी की, जिससे कोई भी गंध ना आए, किसी प्रकार की कोई बदबू ना आए, मक्खी मच्छर आपके गार्डन में ना आए, या जहाँ पर आप ये पॉट रखें वहाँ बिल्कुल कुछ भी आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपके यहाँ पर कंपोस्टिंग हो रही है। तो इसको बहुत अच्छे से मिट्टी से पूरा के पूरा, आपको जो दिख रहा है ना किचन का जो वेस्ट, इसको अच्छे से पूरा ढक दें और एक बहुत मोटी सी लेयर बना दें, और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए दबाते हुए इसको आपको मिट्टी को डालना है। इसके ऊपर एक बढ़िया सी लेयर बनानी है। तो बढ़िया सी लेयर का मतलब है कि एक मोटी सी लेयर, कम से कम 2 इंच की लेयर तो आप बनाएं, और फिर इसे ढकें या ना ढकें, आपकी कंपोस्टिंग की प्रोसेस बिल्कुल होगी और आपको 1.5 से 2 महीने में बहुत अच्छी खाद
तैयार हो जाएगी। बस इतना करना है कि इसे धूप में रखें। और अभी मैंने ये कंपोस्टिंग की प्रोसेस तो आपको पता है बारिश की सीज़न में शेयर की है, पर फिर भी कंपोस्टिंग होगी पर थोड़ा सा देर से होती है। और अगर सनी डेज़ होते हैं तो उसमें कंपोस्टिंग की प्रोसेस जल्दी होती है, क्योंकि धूप की वजह से ना अंदर का कचरा गर्मी की वजह से जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। सो दोस्तों, ये है आज का प्रोसेस। अब देखते हैं कि पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है। यहाँ जो आप पॉट देख रहे हैं, इसमें मैंने पहले से ही पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया है, और अभी मेरे पास कोई पॉट खाली नहीं है जिसमें आपको मैं दोबारा से मिक्स बना के दिखा सकूं। इसीलिए मैं पहले से पॉटिंग मिक्स बनाया हुआ पॉट यूज़ कर रही हूं, और आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो दोस्तों, जितना बड़ा भी आप पॉट ले रहे हैं पॉट मिक्स बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले 1 इंच की लेयर मिट्टी की बनानी है, और फिर उस पॉट को आधा भरना है आपको अपने किचन के वेस्ट से, जिसमें होंगे सब्जियों और फलों के छिलके, और पका खाना बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर वो पॉट आधा भर गया, अच्छे से दबा देंगे, और फिर आधे से लेके पूरा फुल तक उसे मिट्टी से भरना है, जैसे मैंने भर दिया था, और उसे रख देंगे 2 हफ्तों के लिए। तो मेरा ये जो पॉट है, इसका आज 12वां दिन है, और इस 12वें दिन ही मैं आपके सामने मैं प्लांट लगा के दिखा रही हूँ। ये मैं नींबू का प्लांट लगा रही हूँ, इसे मैंने घर पर ही तैयार किया है। इस प्लांट को लगाने से पहले मैंने एक लेयर और बना दी है मिट्टी की, तो आप चाहे बना दें, आप चाहे तो नहीं बनाएं, क्योंकि सफिशियंट मिट्टी जब आप पहले से ही भर देंगे तो आपको दोबारा से मिट्टी भरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये है बिना खाद की गार्डनिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से अपने पॉट मिक्स बनाती हूँ, और मैंने 4 पॉट में इस तरह से मिक्स बनाया है, और उसमें प्लांट्स भी लगाए हैं, और उनकी सेहत भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए देखते हैं अब इस नींबू के प्लांट की सेहत कैसी रहती है, और मैं आपसे अपने आने वाले वीडियोस में शेयर करती रहूँगी इस प्लांट की प्रोग्रेस को, ताकि आप देख सकें कि ये फॉर्मूला वर्क करता है या नहीं, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूँगी। और ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा मेथड है बिना खाद के पॉट मिक्स बनाने का। और यहाँ पर हमने दे दिया अपने नन्हे मुन्ने पौधे को पानी। तो मैंने तो आज प्लांटेशन कर लिया, आप में से किस किस ने आज प्लांटेशन किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।